Hello friends, good morning. Welcome to the class. Today is day 4th of learning new idioms. Okay? So without wasting any time, let's get started. So the first idiom which is on the screen is to be above board. इसका मतलब होता है किसी काम को बहुत क्लैरिटी के साथ करना, ठीक है, एम्बिग्विटी क्रिएट ना करना, कंसील ना करना किसी चीज को. इसका जस्ट अपोजिट एक idiom होता है अंडर द टेबल. ठीक है, अंडर द टेबल हर कोई जानता है कि किसी को आप जब ब्राइब कर रहे होते हैं, कुछ छुपा के कर रहे होते हैं, तो वहां पर idiom को यूज करते हैं. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अबव बोर्ड. ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो अपनी किसी भी डीलिंग में. तो इसका क्या मतलब है, टू बी ऑनेस्ट या विदाउट कंसीलमेंट. फाइन, इसका यूजेज क्या हो जाएगा. सो द डील बिटवीन द टू पार्टीज वॉज कंप्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड. समझ में आ गया, इसके सेंटेंस से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब निकलेगा. इसके कंटेक्स्ट से इट इज सफिशियंट इनफ टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस idiom. सो द नेक्स्ट idiom इज टू क्राई वोल्फ. टू क्राई वोल्फ इज कि किसी को झूठी, मतलब आप कह सकते हो उसको कि किसी को झूठ बोलना, और ऐसी चीज के लिए झूठ बोलना जो नहीं हुआ है, ऐसा इंसिडेंट किसी भी बात को लेके. इसकी एक बहुत फेमस कहानी है कि एक शेफर्ड होता है, वो अपनी बकरियों को लेके जाता है पहाड़ पे चराने के लिए, और फिर वहां से आवाज लगाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया. फिर गांव वाले उसकी मदद करने पहुंचते हैं, देखते हैं भेड़िया नहीं है, तो फिर गुस्सा करके वो लोग नीचे आ जाते हैं. दो तीन दिन वो ऐसा करता है, चौथे दिन जब ऐसी आवाज देता है तो गांव वाले समझते हैं अरे ये फिर रोज की तरह बेवकूफ बना रहा है, और उस दिन एक्चुअली में भेड़िया आके उसकी बकरियों को खा जाता है. तो इसका मतलब वहीं से निकला है ये idiom, टू क्राई वोल्फ, मतलब टू क्लेम दैट समथिंग इज हैपनिंग व्हेन इट रियली इज नॉट. समथिंग इज हैपनिंग व्हेन रियली इट नॉट, व्हेन इट रियली इज नॉट, व्हिच रिजल्ट्स इन रिजेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट वैलिड क्लेम्स. ठीक है, क्लियर हो गया इसका मतलब. यूजेज क्या हो जाएगा, इज द इकोनॉमिक फ्यूचर रियली सो बैड, और आर द इकोनॉमिस्ट जस्ट क्राइंग वोल्फ. ठीक है, मतलब इसका क्लियर हो गया है. फाइन, सो द नेक्स्ट idiom इन लाइन इज टू एन एक्स टू ग्राइंड. इसका लिटरल मतलब होता है कि अपने किसी काम को करने, आपका कोई एक सेल्फिश मोटिव है, एक रीजन है किसी काम को करने के पीछे, आपको छुपा के कोई चीज करना चाह रहे हो. ठीक है, तो टू हैव अ प्राइवेट और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, और टू हैव अ हिडन एजेंडा. ठीक है, इसका यूजेज क्या हो जाएगा, आई थिंक ही इज गनिंग फॉर द टॉप जॉब बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड विद सम ऑफ हिज कलीग्स. ठीक है, क्लियर है इसका मीनिंग, बहुत ईजी था. ओके, डंकीज ईयर्स. ठीक है, इट डंकीज ईयर्स, ये जो idiom है ये सिग्निफाई करता है बेसिकली किसी लंबे टाइम को. आप कहीं किसी जगह पे बहुत टाइम के बाद जाएं तो आप वहां पर ये यूज कर सकते हैं कि आई हैव बीन टू दिस प्लेस आफ्टर डंकीज ईयर्स. मतलब इसलिए बोला जाता है डंकीज ईयर्स क्योंकि गधे के कान बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, तो ये वहीं से निकला है. ठीक है, टू सिग्निफाई अ टाइम पीरियड. ठीक है, देख रहे हो ना, डंकीज ईयर्स. फाइन, तो यूजेज इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन हेयर इन डंकीज ईयर्स. ठीक है, आई कांट बिलीव हाउ मच द टाउन हैज चेंज्ड. सो इट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द सेंटेंस हेयर के बात हो रही है कि बहुत लंबे टाइम में वो नहीं आया है, और अब जब आया है तो दिख रहा है कि टाउन में बहुत चेंजेस हुए हैं. ओके, सो द सिक्स्थ idiom, इनफैक्ट द फिफ्थ idiom इज चिकन आउट. देखिए, चिकन का मतलब एक टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता था किसी को कोवर्ट दिखाने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी काम को ना करना डर होने की वजह से. ठीक है, आप डर रहे हैं इसलिए उस काम को करने से बैक आउट कर रहे हैं आप. ठीक है, तो रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर. क्लियर, यूजेज इसका क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स dared me to jump into the pond but I chickened out and climbed down from the tree. Fine, mere doston ne mujhse kaha ki main ped pe chadh jaau lekin dar ke mare main us ped pe nahi. Okay, so the next idiom is rule the roost. theek hai, iska matlab hota hai
कि ऐसे बंदे के बारे में बात हो रही है जो बहुत बॉसी हो नेचर में, ठीक है, जो कहते हैं ना पर्सन इन चार्ज, ही इज द पर्सन इन चार्ज, ही इज द होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ दिस जॉब, तो उसी में यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, टू बी द रियल बॉस और टू बी द पर्सन इन चार्ज, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूजेज इसका क्या हो जाएगा, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट इज द असिस्टेंट मैनेजर हु रूल्स द रूस्ट। फाइन, क्लियर हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज टू हैव समथिंग अप योर स्लीव। ये इडियम ऐसी जगह पे यूज होता है जब आप किसी परेशानी में हो, ठीक है, और आपके पास कोई रास्ता है उसको आप एकदम अचानक से निकाल के रखे हुए उस परेशानी से बचने के लिए, ठीक है। किसी परेशानी में एकदम से आ गए और आपके पास एकदम से कोई आइडिया निकला और आप उस आइडिया ने आपको बचा लिया इवेंचुअली। टू हैव अ सीक्रेट प्लान और आइडिया दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इफ एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका यूजेज क्या हो जाएगा, आई हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप माई स्लीव इफ ही डिसाइड्स टू परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज फील द पल्स। बहुत ही कॉमन सा इडियम है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले वो आपकी नब्स चेक करता है ना कि क्या हाल चाल है आपके, देखने के लिए आपकी पहले डायग्नोस कुछ करने से पहले आपकी वो नब्स चेक करता है। तो उसका मतलब वही होता है, टू फाइंड व्यूज और टू असर्टेन द जनरल मूड, ठीक है। यूसेज इसका क्या हो जाएगा, ट्राई टू फील द पल्स ऑफ द क्राउड, इफ दे सीम बोर्ड प्ले सम मोर अपबीट सॉन्ग्स। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इडियम इज ईट हम्बल पाई, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आप कुछ किसी से माफी मंगवाना बेसिकली, ठीक है, और कोई बंदा माफी मांगे बहुत हम्बल तरीके से, तो वहां पर इसको हम यूज करते हैं। टू ईट हम्बल पाई, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग और टू एक्ट वेरी हम्बल व्हेन वन इज शोन टू बी रॉन्ग, ठीक है। यूजेज इसका, आई थिंक आई एम राइट बट इफ आई एम रॉन्ग आई विल ईट हम्बल पाई, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज ए फ्लैश इन द पैन। मतलब किसी चीज का तुक्के से हो जाना, और जो तुक्के से होती है चीज वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश कहते हैं चमक को, और पैन जो हम लोग फ्राइंग पैन जिसको बोलते हैं, जिसमें कभी घर को नॉर्मली हाउस होल्ड में उसको तवा बोलते हैं, तो अगर उस पर रोशनी पड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको बल्ब समझने लगे, ठीक है। वो रहता तवा ही है, रिफ्लेक्शन से ऐसा लगता है कि वो जैसे बल्ब का काम नहीं, मतलब लोग चमकता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बल्ब बन गया, आप उसको कहीं लगा नहीं सकते, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। तो समथिंग और समवन हू सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। यूजेज, आई एम अफ्रेड दैट माई सक्सेस एज अ पेंटर वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। फाइन, सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टूडे। हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।